सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी आदेश कंटिन्यू किया है माननीय एनजीटी का कि 10 वर्ष से पुराने जो डीजल वाहन हैं और 15 वर्ष से पुराने जो पेट्रोल वाहन एनसीआर में नहीं चलेंगे, तो हमारे यहाँ लगभग 65,000 के आसपास ऐसे हैं जो केसेस हैं, तो उनको हम 6 माह के लिए उनका सस्पेंशन कर रहे हैं पहले, और इस बीच उनको ये समय दिया जाएगा कि एनओसी ले करके एनसीआर रीजन से बाहर चले जाए। ये सरासर गलत है। जहाँ तक पेट्रोल की वाहनों की बात है तो 1% ही माना जा सकता है कि भाई 15 साल पुराने बहुत पुराने वाहन हो जाते हैं, पोल्यूशन का फर्क पड़ता है, लेकिन 10 साल पुराने डीजल के वाहन तो सरासर गलत है, क्योंकि किसान जो है, किसान का जो ट्रैक्टर है वो बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर खरीदता है, अपनी पूरी पूंजी लगा के ट्रैक्टर खरीदता है, और अगर 10 साल में ही ट्रैक्टर को वापस RTO विभाग के दफ्तर में जमा करना पड़ गया तो उसकी तो पूंजी खत्म होगी।